हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। आपका पार्टनर अगर आपसे दूर चला गया है, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो मैं प्रे करूंगी यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपके लाइफ से वो थर्ड पार्टी जो है, जो प्रॉब्लम्स है, वो जल्द से जल्द रिमूव हो जाए। जो भी नेगेटिविटी आप तक आई है वो रिटर्न चली जाए जहां से आई है। ओके, इसी के ब्लेसिंग के साथ साथ आज हम आपके लिए प्रे भी करेंगे। डियर, जो लोग अपने लिए प्रे चाहते हैं कि मैं जो प्रे कर रही हूं आर्कएंजल माइकल से, उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो डियर आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम का आप अपना नाम लिख दीजिए, ताकि आपके लिए मैं हीलिंग प्रोसेस कर सकूं, आप हील हो सकें। ठीक है डियर, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और थैंक यू फॉर द प्रेयर जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप प्रेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर लिखिएगा। और डियर, आज का टॉपिक जो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट है, और थर्ड पार्टी डेली अपडेट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका पार्टनर जो है आपका साथ देगा या नहीं देगा। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, काफी लोग चाहते थे कि हमारा पार्टनर जो है क्या हमारा साथ देगा, अगर हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं, अगर हम अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं तो क्या वो हमारा साथ देगा, हमारे लिए स्टैंड लेगा, हमारे लिए खड़ा होगा। हम अपना घर छोड़ के आते हैं, हम अपना फैमिली छोड़ के आते हैं, तो क्या हमारा पार्टनर हमारा साथ देगा या नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए हैं, या आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को छोड़ के आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। उस चीज के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर है क्या वो आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, और डियर अगर देंगे तो कब तक देंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट कर भी सकता है डियर। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओके डियर, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, थीथ आप पे ध्यान नहीं देना है, पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ हेल्प आपको जरूर मिलेगा। ओके डियर, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। शफलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, और जो हमारा सवाल है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आपका साथ देंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे व्यूअर्स का साथ देंगे या नहीं देंगे, वो चीज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं डियर। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ कप्स है, और यहाँ पर हमारे पास में जो कार्ड्स है टेम्परेंस की एनर्जी आई है। ओके, टेम्परेंस है। नेक्स्ट कार्ड एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स है, दो दो पेज आए हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस मुझे लग रहा है, आप या आपके पार्टनर के बीच में एक डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर है स्टार की एनर्जी। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में 100% है। यहाँ पर एनर्जीज बता रही है कि थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में है, और आपके पार्टनर और आपका जो रिश्ता रहा है बहुत ही प्रॉब्लम भरा रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम भरा। और क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम इशू बहुत ज्यादा रहा है, थर्ड पार्टी फैमिली इशू ज्यादा रहा है। यहाँ पर रोमांटिक पार्टनर की फीलिंग्स इतनी ज्यादा नहीं आ रही जितना कि फैमिली की आ रही है। फैमिली के बीच में रहकर आपके पार्टनर और फैमिली के बीच में बहुत कुछ छुपा हुआ रहा है डियर। आपको भी पता है कि फैमिली जो है अलग दिशा में भाग रही थी, आपका पार्टनर जो है अलग दिशा में भाग रहा था, और आपको ये भी लगता है कि फैमिली की वजह से रिश्ते जो है टूटे हैं। ठीक है डियर, तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो ले लीजिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। ठीक है, कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन डिवाइन को पता है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि असली डेस्टिनेशन डिवाइन को पता है। ओके, चलिए, तो आपके पार्टनर आपको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, यहां से अगर आप देखें तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम से,
बॉटम से हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और डियर यहाँ से है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सवाल है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ आएंगे, तो इन सब चीजों से आपको आपके सवालों के जवाब बॉटम की एनर्जी से मिल गए होंगे कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। कार्ड ही ऐसे निकले कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बॉटम की एनर्जी ने बता दी है बहुत सारी चीजें कि यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पार्टनर जो है आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, चलिए कार्ड्स को रखते हैं साइड में। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं कुछ जोडियक साइन आपको बताना चाहूंगी डियर। यहाँ पर है हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, उसके बाद में है कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ कुछ खास नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको वो नंबर बताना चाहूंगी ताकि आप अपने आप से रेजोनेट कर सके कि वो नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं, हो सकता है कि वो नंबर आपके लिए कुछ खास हो। ठीक है डियर, तो जो नंबर्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उसको मैं आपको बताऊंगी। टू नंबर जो है वो कुछ खास हो सकता है, सेवन नंबर, सिक्स नंबर, फाइव नंबर, टेन नंबर और डियर फाइव फाइव की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में फाइव, टेन ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेवन नंबर भी बहुत ज्यादा है और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एट नंबर है। ठीक है, फोर्टीन नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है कुछ खास हो सकते हैं आपके लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका ब्रेकअप हुआ था या फिर ऐसा दर्द आपको मिला है कि आप इन दिनों को, इन तकलीफों को भूल नहीं पा रहे, ये तारीख आपको बार बार रह रहकर याद आ रही है, या फिर कोई ऐसे गुड न्यूज इस टाइम पे मिली थी, या आपका रिश्ता इस इंसान के साथ जुड़ा था, या आपको प्रपोजल इस इंसान से मिला था, वो चीज दिखाई दे रही है। साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप लोगों का एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, दो दो पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स है और डियर यहाँ पर हमारे पास में पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमेच्योर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर जो है कच्चे कान के हो सकते हैं, या तो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पूरी तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर क्या डेट है, क्या है। चलिए मैं आपको कुछ खास मंथ भी बता देती हूँ। नवम्बर जो है वो कोई खास हो सकता है, मई जो है वो कुछ खास हो सकता है, अप्रैल जो है वो कुछ खास हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इस मंथ में आपका कोई तो कोई काम हो सकता है या फिर कोई खास आपके लिए रिलेटेड करता हो। ठीक है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट किया है। यहाँ पर एक फैमिली का इशू मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, अगर आप देखें सही तरीके से तो फैमिली के इशू में ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी मैनुपुलेट किया गया है, एक तरह से थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को इस कदर मैनुपुलेट किया गया है कि ये थर्ड पार्टी ने रीति रिवाजों को, जैसे होता है ना कि कल्चर को लेके आपके पार्टनर के कान भरे गए हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए कि एक अलग ही नहीं होता कि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे रीति रिवाज, हमारा स्टैंडर्ड, ये सारी चीजों को आगे रख के आपको निशाना बनाया गया, आपको वहां पर रखा गया, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और तो और डियर ये भी दिख रहा है कि ये जो लोग थे, जो थर्ड पार्टी थी, इसने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट इसी तरह से किया है, मैनुपुलेट किया। ये थर्ड पार्टी ने रीति रिवाजों की दुहाई दी, रीति रिवाजों को लेकर या किसी तरह के बंधनों को दिखाकर आपके पार्टनर को भड़काया है, आपके पार्टनर को ब्लेम किया है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं इन चीजों को मानते नहीं हो, इन चीजों को खरे नहीं उतरे हो, आप में वो चीज नहीं है, आपका कल्चर अलग हो सकता है, आपका कास्ट अलग हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस बहुत है ना, तो इन चीजों के लिए आपके पार्टनर को जिस तरह से मैनुपुलेट किया गया, आपके पार्टनर को जिस तरह से अपनी बातों में लगाया गया इस थर्ड पार्टी ने, उससे ऐसा लग रहा है कि इसने आपके पार्टनर को भड़काया है। थर्ड पार्टी मदर इशू हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर फैमिली में यहाँ पर कोई सिस्टर इशू हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या फिर ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपके सपने टूटे हैं। ठीक है, आपने सपने सजोए थे,
कि फैमिली क्रिएट करोगे या फिर आप दोनों ने ही सपने सजाए थे। देखिए एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, या तो आपने सपने सजाए थे या फिर आपके पार्टनर ने सपने सजाए थे कि आपका एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, आप उनसे शादी करेंगे, फैमिली बनेगी, जैसे दूसरों का परिवार है, आप लोग भी कहीं ना कहीं इंजॉय करोगे, आप लोग भी घूमने फिरने जा सकते हो, आप लोगों की लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है ना, एक सक्सेस लाइफ आप जियोगे, एक अच्छी फैमिली आप चाह रहे थे, ऐसे सपने आपने सजोए थे या फिर आपके पार्टनर ने सजोए थे या फिर दोनों ने मिलकर एक साथ ये बातें करी थी, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके सपनों को तोड़ा गया है, एक फैमिली क्रिएट करने पर प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है, आप अच्छा करने में लगे रहे, है ना, आपका तो ध्यान ही नहीं गया उन लोगों की तरफ जो थर्ड पार्टी थी या फिर आपके पार्टनर थे, आपने उतना ध्यान दिया ही नहीं इन लोगों की हरकतों पर। मैं पहले ही आपको बता दूं, आप सिर्फ अपनी अच्छाई अपनी चीजों को करते चले गए, है ना, सबका दिल जीतने में लग गए, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगे, सबके लिए बहुत किया, वो वाली चीज दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी जो थी कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशनल को आगे ले आई, अपने कल्चर को आगे ले आई, है ना, आगे लाकर रख दिया, उसके ऊपर उल्टी सीधी बातें पार्टनर के सामने रख दी, है ना, रूल्स बना लिए उसने कुछ ना कुछ गलत गलत कि इस तरह से होना चाहिए, आपको मॉर्निंग में ये है, ये होता है ना कि घर में कोई मदर इशू है तो वो चीज हो जाती है, लेकिन शायद आप जो है वो चीजों को समझ नहीं पाए या फिर आपकी गलतियां निकाली गई यहाँ पर, बहुत सारी चीजें है ना, आप सबका दिल जीत रहे थे। यहाँ पर लेडी फिगर मुझे बहुत ज्यादा तमाशा करती हुई नजर आ रही है, लेडी फिगर ने फैमिली इशू बहुत ज्यादा क्रिएट करा है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करी है, एक तमाशा बनाया गया है इस लेडी फिगर की वजह से आपके लिए, आपके पार्टनर के सामने, ये आपको गलत साबित करती रही, हुआ है ना ऐसा, बताइएगा आप जब अपने ससुराल में थे या फिर आप एक रिलेशनशिप में थे तब भी आपने ये देखा होगा कि इनकी फैमिली की तरफ से ही सारे इशू आए हैं, सारे प्रॉब्लम्स के जड़ इनकी फैमिली की तरफ से ही स्टार्ट हुई थी, और डियर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, पर बात हो रही है कि आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से इशू आए थे, ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपके जो फीमेल पार्टनर है उनकी फैमिली की तरफ से इशू आए थे आपके घर तोड़ने के बीच में, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर मेल हैं तो उनके पार्टनर उनके फैमिली की तरफ से इशू आया था, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये आपको गलत साबित करती रही, इस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ब्लेमिंग ऐसी करी, ऐसी चीजें करी जहां पर आप गलत साबित हुए डियर, ठीक है, गलत साबित करती रही, आप भले ही अच्छे हो, अच्छा किया होगा आपने, लेकिन आपको वो अच्छाई का कुछ अच्छा आपको सिला नहीं मिला। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप तो अच्छा ही कर रहे थे, आपने अच्छा करने की कोशिश करी, पर पता है क्या हुआ, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अच्छाई को छुपा लिया, जो भी आपने अच्छा किया उसको तो छुपा लिया, लेकिन जो आपने गलत किया ना उसको बड़ा चढ़ा कर बता दिया गया, बड़ा चढ़ा कर बताया गया, थर्ड पार्टी पार्टनर की फैमिली से है डियर, ये तो 100% दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर जो है मैंने कहा ना कि कच्चे कान के हो सकते हैं, इनमेच्योर एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, पेज ऑफ कप्स, दो दो पेज निकले हैं और ये पेज यही बता रहे हैं कि ये बंदा जो है थोड़ा इनमेच्योर वाली एनर्जी में है, या फिर इसका एज डिफरेंस आपके साथ में ज्यादा हो सकता है, या तो आप छोटे हो या तो पार्टनर छोटा है, ऐसा कुछ हो सकता है, एज डिफरेंस दोनों के बीच में काफी लंबा मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर कच्चे कान के होने के साथ साथ थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में बहुत ज्यादा रहते थे, उनकी बातों में बहुत ज्यादा आ जाते थे, और पार्टनर थर्ड पार्टी के हिसाब से चलने लगे थे, थर्ड पार्टी की बातों को मान रहे थे, स्ट्रेस एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो रहा था उनको इस थर्ड पार्टी से, क्योंकि देखिए कोई भी रिश्ते में अगर खींचातानी चल रही है तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा, यहाँ पर एक बात और दिख रही है कि पार्टनर थर्ड पार्टी के हिसाब से चल तो रहे थे लेकिन स्ट्रेस फील कर रहे थे, और साथ साथ ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को अपने स्टेटस से मैच कराती थी कि हमारा और उनका स्टेटस मैच नहीं होता, वो लोगों को देखो और हम लोगों को देखो, तो बहुत सारी चीजें होती है स्टेटस मैच कराना, है ना,
ना कास्ट का बताना कि भाई ये है और आप पार्टनर के फैमिली के लायक नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की तरफ से सुनने को मिला है। आप थर्ड पार्टी का कहना नहीं सुनते हो, आप थर्ड पार्टी की बातों को नहीं सुनते हो, उनको पलट के जवाब देते हो, इस तरह की बातें भी वहां पर हुई है और आपके पार्टनर को वो चीजें पता चली है। थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर आपसे उल्टी सीधी बातें करते रहे, थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर जो है लड़ने लगे, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी जा रही है फैमिली इशू की तरफ। ओके डियर, रोमांटिक पार्टनर की कोई फीलिंग्स अभी नजर नहीं आ रही है। जैसे ही रोमांटिक पार्टनर की फीलिंग्स नजर आएगी, फील मेकर पाऊंगी, वैसे ही आपको मैं यहाँ पर रीड कर दूंगी कि रोमांटिक पार्टनर की तरफ से क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी तो हमारे सामने ज्यादातर लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, जिनकी एनर्जीज आ रही है, वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, उनके फैमिली के इशू बहुत रहे हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, इन सब के साथ में आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो और चाहते हो कि जानना चाहते हो कि इस थर्ड पार्टी का पार्टनर जो है साथ देंगे या छोड़ देंगे। ठीक है, काफी लोगों के दिल में ये सवाल है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर एनर्जी आपसे मैच करे तो प्लीज यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और प्रेयर में शामिल होना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर जरूर लिखिएगा। ओके, यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको पार्टनर ने, जो आपके पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के कहने में लड़ने लगे। आपको पार्टनर ने आपसे बहुत लड़ाई करी, ब्रेकअप करा, ब्रेकअप वाली सिचुएशन बना दी थी, है ना, इस थर्ड पार्टी ने। सब थर्ड पार्टी की कड़वाहट है, थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा कड़वाहट मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा कंडीशंस रखने लगे, बहुत सारा डिमांड रखने लगे कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ में प्रॉब्लम्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो जैसा तुम्हें कहते हैं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। मतलब कंडीशंस रखी गई आपके सामने, ये चीज थर्ड पार्टी की ही बनाई हुई थी, थर्ड पार्टी का ही रूल्स था, थर्ड पार्टी के ही रूल्स रेगुलेशन थे कि आपको कंडीशंस बताई जाए, है ना, और आपके पार्टनर ने वो चीज आपके सामने रखी भी है। थर्ड पार्टी को मानना होगा, आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, वरना मुझे छोड़कर चले जाओ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर इसके मैनिपुलेशन में थे। ओके, पास्ट बहुत खराब किया है थर्ड पार्टी ने, कंट्रोल किया, कंट्रोल करके रखा, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन रही है, और डियर दूरी आ गई, नो कांटेक्ट हो गया, डिस्टेंस आ गया, पार्टनर आपसे लड़े, पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं रॉन्ग वर्ड बोलते रहे, किसके पीछे, थर्ड पार्टी के पीछे, थर्ड पार्टी के चक्कर में ही आपके पार्टनर ने अपनी नैया डुबा ली है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप बर्दाश्त करते रहे, शायद आप बर्दाश्त करते चले गए, शायद आप पूरी तरह से बर्दाश्त कर रहे थे, थक गए आप, बर्दाश्त करने की भी हद होती है ना, वो भी खत्म हो गई, आप बर्दाश्त करते करते थक गए। ये आपसे चिढ़ती थी थर्ड पार्टी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनकी पसंद हो आपके पार्टनर की, या फिर पसंद नहीं भी है तो भी फैमिली की तरफ से आप दोनों का रिश्ता जुड़ा है, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ में आपके पार्टनर के जो फैमिली वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया था कि ये चीजें होगी, वो चीजें होगी, ये मिलेगा, पर शायद हो सकता है कि वो चीजें हो नहीं पाई, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई, उनकी चीजें पूरी नहीं हो पाई, इसलिए आपके साथ में उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, आप में कमियां निकाल रहे हैं, आपका उनका स्टेटस मैच नहीं कर रहा। लव मैरिज है तो, है ना, कल्चर अलग है, चीजें थोड़ी समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर का माहौल अलग था लेकिन आपके ससुराल का माहौल अलग है, लेकिन आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप हर चीज को करना तो चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके साथ में हुई है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने बड़ा चढ़ाकर चीजों को खत्म कर दिया, है ना। होता है ना कि अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए, लेकिन अगर छोटी छोटी सी बातों पर अगर कोई बुरा माने, छोटी छोटी सी बातों को लेकर अगर इंसान चिढ़ जाए तो ऐसे तो जिंदगी नहीं चलती है। तो यहां पर थर्ड पार्टी छोटी छोटी सी बातों को समझाने की जगह चिढ़ गई। अगर ये थर्ड पार्टी चाहती तो आपको रास्ता दिखाती, आपको एक नहीं कई बार समझाती कि इस तरह से करो, घर ना टूटे, इस तरह से करो। थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं करा, थर्ड पार्टी ने सिर्फ गलतियां दिखा दी और बस, ये तक नहीं समझाया कि इस तरह से कर लो या इस तरह से चीजें जो है वो सही हो जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपने ही हिसाब से जिंदगी चलाना चाह रही थी, अपने ही हिसाब से कल्चर को बढ़ाना चाह रही थी, है ना।
देखिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने पार्टनर को आपसे बात नहीं करने दी। जब आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करना चाहते थे, आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते थे, पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सीधा मना कर दिया। पार्टनर उनके इन्फ्लुएंस में थे, इसीलिए पार्टनर ने भी आपको इग्नोर मार दिया। ठीक है, थर्ड पार्टी के चक्कर में अचानक से रिश्ता खराब हो गया, थर्ड पार्टी के चक्कर में आप और आपके पार्टनर दूर चले गए डियर, ये चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। पार्टनर को थर्ड पार्टी ने कठपुतली बनाकर रखा है, एक तरह से नचाती रहती है, एक तरह से उनको अपने इशारे पर चलाती है। पार्टनर के मन की बात करें तो डियर वो चाहते हैं कि आप पार्टनर का कहना मान लो। पार्टनर के मन की बात करें तो वो चाहते हैं कि आप पार्टनर का कहना मान लो, थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर लगता है आप अब कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो। ठीक है, फैमिली के ड्रामा के बाद आप पर बहुत प्रेशर डाला गया है। फैमिली का जो ड्रामा हुआ, ड्रामा करा है ना इस थर्ड पार्टी ने, तो जो भी ड्रामा करा है उसके बाद आपके पार्टनर ने आप पर बहुत प्रेशर डाला है। आप समझ सकते हैं ना कि पार्टनर ने इतना प्रेशर डाला, इतना बर्डन डाल दिया कि आप है ना पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। फैमिली के ड्रामे के बाद तो भाई आपको बहुत हो सकता है कि डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारी चीजें खराब हो गई, ये दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। और पार्टनर की तरफ से आपको शायद आपके पार्टनर आपको गलत ठहरा गए, आपके पार्टनर ने खुद आप पे ही ब्लेम कर दिया कि खुद सुधरो, सही हो, फिर मुझसे बात करना है ना। तो आपके पार्टनर ने ये बता दिया कि भाई आप दोनों की लड़ाई में मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तुम लोग क्या समझते हो, तुमने समझा मुझे? कभी नहीं समझा। अगर वो नहीं समझती है तो तुम ही समझ जाओ ना, तुम ही समझदारी दिखा दो। यहाँ पर इस तरह के बात बोले गए हैं, थी था पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है डियर, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी ने, वो भी रोमांटिक पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर उलझे हुए, तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने एक तरह से, मैं बोलूँ तो ऐसा करा है कि पूरी तरह से गलत बता दिया है ना। आपकी जो चीजें थी उसमें हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर ने कुछ बातें डिस्कस कर दी थी, कुछ चीजें ऐसी बता दी थी, उसको बड़ा चढ़ाकर ये थर्ड पार्टी जो है आपकी गलतियां, आपकी कमियां निकाल दी और आपसे लड़ा के इस थर्ड पार्टी ने पार्टनर को अपनी तरफ खींचा है। एक रोमांटिक वे में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अट्रैक्ट किया, एक रोमांटिक वे में ये थर्ड पार्टी जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसमें आपके पार्टनर को इसने अपने जाल में धीरे धीरे फंसा लिया, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो थर्ड पार्टी के कारण बहुत डगमगा रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई भी चल रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है इसने पूरा पूरा फायदा उठाया कि भाई फैमिली में ही नहीं बन रही है, चीजें ही नहीं सुधर रही है, तो क्यों ना मैं अपना फायदा उठा लूं और मैं इस पार्टनर को अपना बना लूं, है ना। इसके फैमिली वाले तो वैसे ही एग्री नहीं है ना, तो यहां पर मैं अगर अपनी जगह बना पाई तो ये बहुत अच्छी बात होगी, मेरे पास सब कुछ होगा, मेरे पास सारी चीजें आ जाएगी। और तभी ये इंटर हुई ये थर्ड पार्टी, समझ रहे, रोमांटिक थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी तो एक फैमिली भी थी, लेकिन थर्ड पार्टी फैमिली के चक्कर में, आपके चक्कर में जो चीजें खराब हो रही थी, जो चीजों का कोई वैल्यू नहीं था, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे के मन में गलत गलत बातें बोलना, एक दूसरे के लिए गलत चीजें करना, है ना, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं था। तो यहाँ पर पूरा ध्यान थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर का कहाँ पर था, पार्टनर की एनर्जीज पर, पार्टनर को कैसे कंट्रोल करें, पार्टनर के कैसे इमोशंस पे हाथ रखा जाए, कैसे पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए, ये चीज का फायदा उठाकर थर्ड पार्टी ने टावर मोमेंट ला दिया आपके और आपके पार्टनर की जिंदगी में। ओके, ये चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। अभी पार्टनर की फीलिंग्स देखें, पार्टनर ईगो में है, पार्टनर को कुछ चीजें रियलाइज हो रही है और कि मेरी पार्टनर जो थी इतनी भी गलत नहीं थी, है ना,
अब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पार्टनर थी, मेरी लाइफ पार्टनर जो थी, मेरी वाइफ जो थी, मेरे कपल जो थी, वो कहीं से भी गलत नहीं थी जितना कि थर्ड पार्टी ने बताया है ना। आपके पार्टनर को ये समझ आ रहा है, मेरा पार्टनर मेरा ध्यान तो रखता था, किसी भी हाल में मैं उसके पास जाऊं, आधी रात को ही क्यों ना जाऊं, मेरे जिस भी हालात रहते थे वो मुझे सपोर्ट तो करता था, वो मेरा प्यार था, वो मुझे समझता था, वो मेरे बुरे अच्छे पल में साथ दिया करता था, जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी, सर दुखे पैर दुखे, जब भी कुछ भी जरूरत पड़ती थी तो वो मेरा साथ दिया करता था है ना। मुझे तकलीफ होती थी तो उसकी भी आंख में आंसू आते थे, तो ये सोचकर वो परेशान हो रहे हैं, कैसे छोड़ सकता हूं मैं अपने उस साथी को जिसने कदम कदम पर मेरा साथ निभाने की, या मैंने उसका साथ निभाने की कसम खाई थी। आज मैं दूसरों की बातों में कैसे गलत कर बैठा है ना, मैंने उसको कितना गलत ठहरा दिया, मैंने उसको कितना गलत बोल दिया, इस बात का रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। पार्टनर क्योंकि उन्होंने आपसे कभी तो प्यार किया था ना डियर, कभी तो दिल आप दोनों के जुड़े थे ना, कभी तो आप उनके अपने थे ना, तो यहाँ पर वो सारी चीजें फील कर रहे हैं। भले ही थर्ड पार्टी उनको कह रही है कि आप जो हैं उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं होते, आप जो हैं आपका जीवन अलग है, उनकी लाइफ अलग है, थर्ड पार्टी के हिसाब से ये चीजें मायने रखती है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत सारी इच्छाएं जागती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत सारी बातें मैं देख पा रही हूँ, आपसे बात करे पर ईगो रहा है इनका, ईगो रहा है। ये पार्टनर आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको आपकी जानकारी चाहिए। इनको मैं देख पा रही हूँ कि ये स्टॉक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ अपना पूरा ध्यान डाल रहे हैं डियर। आपको कैसे अप्रोच करे, कैसे बात करे, कैसे स्टॉक करे, किसी को पता ना चले, इनकी इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ खींच रही है, ला रही है। इनकी इंट्यूशन बोल रही है कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, इन्हें इनकी इंट्यूशन बता रही है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है ना। आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्पाई करते हुए देखे जा रहे हैं आपके पार्टनर। आजकल आपके पार्टनर की नजरें आप ही पर टिकी हुई है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे हैं, या फिर आप इंस्टा पे हैं, तो ये पार्टनर जो है आपको सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा नजर रख रहा है, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं स्पाई करता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, बहुत सारी चीजें देखी थी। लॉन्ग टर्म रिश्ता मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते थे कि आपका और उनका रिश्ता जो है लॉन्ग टर्म चल जाए। उन्होंने आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया था। आपके साथ में ये पार्टनर बहुत कंफर्टेबल थे। इनको ये भी फील होता है कि इन्होंने आपको अपनी जिंदगी में एक ऐसा हिस्सा माना था जो लॉन्ग टर्म ये रिश्ते को निभाएंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चलाएंगे। इन्हें नहीं पता था कि ये रिश्ता इतने जल्दी दूसरों की बातों में टूट जाएगा। इन्हें नहीं पता था कि ये रिश्ता जो है दरार इस रिश्ते में आ जाएगी। यहाँ पर ये पार्टनर ये चीज को जानते थे कि ये रिश्ता जो है बहुत आगे जाएगा, पर शायद जो कंफर्टेबल ये फील कर रहे थे उसमें इनको एक बात ये भी लग रही है कि इन्होंने ब्लेम करके, गलत बोल के, आपके ऊपर रॉन्ग वर्ड्स यूज करके इन्होंने चीजों को खुद खराब कर दिया है। अब किस मुंह से आपके पास आए, किस तरह से आपसे बात करें, ईगो को छोड़ रहे हैं, ईगो को हटा रहे हैं, पर मुश्किल हो रहा है, मुश्किलें बन रही है आपके पार्टनर के आगे। मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर दोबारा से अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो है दोबारा से जिंदगी बनाना चाहते हैं। ये दुआएं कर रहे हैं कि वापस से हम लोगों का रियूनियन हो जाए, वापस से मेरा पार्टनर जो है मेरी चीजों को समझ जाए, मेरी बातों को समझ जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आसमानों में आपके पार्टनर की नजर बार बार जाती है, आपके पार्टनर जो है बार बार ऊपर देखते हैं, एक स्टार से बात करते हुए ये आपको दुआओं में मांगते हैं, ये विश करते हैं, जैसा होता है ना कि टूटते हुए तारे से कोई दुआ कर रहा है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ, एक मौका उनको दोबारा से मिल जाए और वो वापस से सब कुछ
सब कुछ चीजों को सही कर सके, है ना। तो प्रे भी कर रहे हैं, विश भी कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को लेकर, तारे को देख रहे हैं, विश मांग रहे हैं। आपकी खामोशी और आपका दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने का फैसला जो किया था वो गलत था। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी खामोशी और आपका दूर जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। क्यों? क्योंकि आप जब से इनसे खामोश हुए हो, जब से आपने इनसे बात करना बंद करी है, नो कांटेक्ट हुआ है, तब से आपके पार्टनर और ज्यादा आप पर ध्यान दे रहे हैं, और ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं कि आप कैसे ऐसा कर सकते हो, है ना। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं, है ना। हमारा सवाल यही है। तो डियर ये क्या कर रहे हैं आप देखिए ना, ये पार्टनर आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप ही की तरफ, ऊपर वाले की तरफ हाथ फैलाकर ये कह रहे हैं कि बस मैं ही जीतूंगा। तो ये आपको जीतना चाहते हैं। आपके पार्टनर का कदम मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपके पार्टनर जो हैं आप ही की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, आप ही की तरफ वो आना चाहते हैं, आप ही की तरफ वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है डियर। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी बात करी जाए तो डियर, अब वो जो है यहाँ पर ये रिलेशन के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ में चीजों को सही करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो पार्टनर है इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहेंगे। यहाँ हो सकता है कि देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि स्टेबिलिटी चाहेंगे, यहाँ लेसन सीखा है बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर की रिकवरी हुई है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने लेसन सीखा है ना। पार्टनर अब थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहने वाले, पार्टनर जो हैं अब थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे डियर, और इसके इन्फ्लुएंस से निकलेंगे। ये रिश्ते से ऑन ऑफ प्रॉब्लम जो है उसे खत्म करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, जो भी रिश्ते में ऑन ऑफ प्रॉब्लम चल रही है, बार बार आना जाना चल रहा है, वो खत्म करेंगे आपके पार्टनर। ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये रिश्ता जो बार बार टूट जाता है, बार बार इसमें ब्रेकअप हो जाता है, अब परमानेंट तरीके से चलेगा। ये पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी पैसों को लेके जुड़ी हुई थी। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी क्यों जुड़ी हुई है आपके पार्टनर के साथ में, तो डियर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है पार्टनर के साथ में पैसों को लेके जुड़ी हुई है, और डियर इसने आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रखा है आपसे। पार्टनर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी से पार्टनर जो है ना बाहर आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी की जिंदगी में टावर आता हुआ मैं देख रही हूँ, एक टावर मोमेंट इस थर्ड पार्टी के सामने आने वाला है, और बहुत ही जल्द इस थर्ड पार्टी की नैया जो है वो डूबने वाली है। ये मुझे दिख रहा है, बचाव बचाव करेगी ये थर्ड पार्टी, पर कोई फायदा नहीं है, इसकी नैया तो डूबने वाली है। इसकी सच्चाई पार्टनर को पता चल जाएगी कि इसने आपके लिए क्या किया था, कितनी रॉन्ग थी ये थर्ड पार्टी, कितने रॉन्ग वर्ड्स इस थर्ड पार्टी ने आपके लिए बोले थे, और कितना भड़काया था आपके पार्टनर को। अभी पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा उलझन महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब वो थर्ड पार्टी से फ्री होना चाहते हैं, अब वो थर्ड पार्टी से आजाद होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि इस थर्ड पार्टी ने जिस भी कारण से आपके पार्टनर को बांध रखा था, अब आपके पार्टनर फ्रीडम चाहते हैं, अब आपके पार्टनर आगे निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, इस टावर मूवमेंट से छुटकारा चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं इस टावर मूवमेंट से। उनका मानना है कि इस टावर मोमेंट से निकल के ही चीजें सही हो सकती है। आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी से निकलने की, बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे हैं पार्टनर। ये पार्टनर की सोच समझ कम हो गई थी, हो सकता है कि ये पार्टनर जो है सोचने समझने में सक्षम नहीं थे, अब पार्टनर एक्शन लेंगे डियर, एक्शन लेने वाली एनर्जी है। ये पार्टनर न्यू बिगनिंग करेंगे, इनकी न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ, ये रोमांटिक वे में आगे बढ़ेंगे डियर। आपको इन पर भरोसा करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आप पर भरोसा करेंगे। ठीक है, आपको ये इस तरह से दिखाएंगे कि आप पे पूरी तरह से भरोसा करते हैं। ओके, तो चलिए कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं डियर, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं, क्या कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए, क्या कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज यूनिवर्स। ओके,
प्लीज यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, काफी कार्ड्स हमारे पास आए हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने जो एक कार्ड दिखाई दे रहा है, फैमिली इशू। ठीक है, तो फैमिली का इश्यू बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर फिर भी अब आपके पार्टनर को गाइडेंस मिल रहा है, अब आपके पार्टनर चीजों को समझ पाएंगे डियर। और यहाँ पर जितनी आप दोनों के बीच में कंप्लेंट्स थी, है ना, जितनी आप दोनों के बीच में शिकायतें थी वो भी दूर होगी डियर। आप इंतजार कीजिए समय का, समय बहुत जल्द अच्छा होगा, चीजें जो है बहुत जल्द अच्छी होने वाली है, ये समझ लीजिए आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है इन्होंने रॉन्ग वर्ड बोले, रॉन्ग स्टेप लिया, तो ये इनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील करा रहा है। अभी ये दिखाई दे रहा है कि खुशियां मांगी थी खुदा से और तुम मिल गए, तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने तो खुशी मांगी थी ऊपर वाले से और आप मिल गए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अगर आप मिल जाएं तो उनके ड्रीम्स, उनके सपने जो है वो पूरे हो जाएंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ कुछ समय और कहीं ना कहीं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो आपके पार्टनर जो हैं तुम्हारा साथ चाहते हैं और डियर तुम्हें देखना चाह रहे हैं। ये ब्लैंक है कार्ड्स। ओके, यहाँ पर नो आ रहा है डियर। आपके आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई आपने किसी तरह का सवाल पूछा था तो उसका आंसर नो है डियर। यहाँ पर स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे, एक्शन लेने की एनर्जी है। और आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर इस नेम, ये नेम्स आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ABDTHIMNPLYZ। ओके, ये कोई खास आपका या आपके पार्टनर के नेम के इमेजेस हो सकते हैं। अट्रैक्शन यहाँ पर होगा और यही अट्रैक्शन आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आएगा। ओके डियर, सैड एनर्जी है, सैड एनर्जी को देख के आपके पार्टनर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो दुखी दिखाई दे रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशन रहा आप दोनों का, मुझे ऐसा लग रहा है इस थर्ड पार्टी के कारण, लेकिन अब वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को हटाकर रियूनियन चाहते हैं, चाहते हैं कि आप उनको मिल जाओ और बस वो टाइम, बिना टाइम वेस्ट करे आपको हासिल करना चाहते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आप ही की तरफ आना चाहते हैं। रियूनियन वाली एनर्जी है, आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में आपकी तरफ आ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को छोड़ के आपका साथ देंगे या नहीं। तो 100% एनर्जी को क्लेम कीजिए, आपका रियूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए। और डियर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा और यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू जरूर लिखिएगा। रियूनियन की एनर्जी है, क्लेम कीजिए। और प्रेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, थैंक यू फॉर द प्रेयर लिखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके डियर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।